हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक शेयर के बारे में। इसके Q1 के नंबर पब्लिश्ड हो चुके हैं, देखते हैं इनके नंबर्स कैसे आए हैं। इसके लिए हम कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को देखेंगे और जो सारे आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलने हैं वो करोड़्स में हैं। अगर हम कंपनी के टोटल इनकम को लास्ट ईयर में देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 23,739 करोड़ की टोटल इनकम को जनरेट किया था, जो कि इस क्वार्टर में 32,259 हो गई है। मतलब यहाँ पे आपको अच्छा खासा वाइन बाई बेसिस पे जंप देखने को मिला है इनके टोटल इनकम में। अगर इसको हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 31,734 था। मतलब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक तरह से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है क्यू इन क्यू बेसिस पे। तो मतलब टोटल इनकम्स में आपको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो एक्सपेंस इस क्वार्टर में कंपनी ने 24,606 करोड़ को एक तरह से एक्सपेंस के रूप में खर्च किए हैं। अगर हम कंपनी के टोटल प्रॉफिट को देखें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी ने 2,058 करोड़ के प्रॉफिट को जनरेट किया था, जो कि इस क्वार्टर में 3,573 करोड़ हो गया है। मतलब यहाँ पे लगभग 80% के करीब का अच्छा खासा जंप देखने को मिला है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर हम इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 3,232 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट को जनरेट किया था। मतलब क्यू एन क्यू बेसिस पे भी आपको लगभग 10% का एक तरह से नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और वाई एन वाई बेसिस पे तो नंबर काफ़ी बेहतरीन है। लगभग 80% के करीब का आपको मैसिव जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर कंपनी के ई पी एस को देखें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में जहाँ कंपनी का ई पी एस 12.02 हुआ करता था, जो कि बढ़कर 20.61 हो गया। मतलब ई पी एस में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और क्यू एन क्यू बेसिस पे भी देखें तो लास्ट क्वार्टर में 18.39 था। मतलब क्यू एन क्यू बेसिस पे ही आपको अच्छा खासा ई पी एस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इसी की वजह से इस स्टॉक में आपको आज अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। स्टॉक इस टाइम पे लगभग 4% की तेजी के साथ चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।